भोपाल के रिवेरा टाउन के फेज 3 राहुल नगर के निर्माण में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के विरोध में रिवेरा टाउन के रहवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मुहिम को भोपाल के सभी पर्यावरण जागरूक व्यक्तियों एवं संस्थाओं के से समर्थन मिल रहा है। इस अवसर पर पर्यावरण संतुलन एवं पर्यावरण नियमों की अनदेखी के संबंध में अनुभवी व्यक्तियों द्वारा अपने विचार प्रकट कर मार्गदर्शन भी लिया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। आज की तारीख में केवल व्यवसाय कर रहा है, जनता की सेवा करने का जो मूलभूत इनको जिसके लिए ये नगर निगम बनाया गया वो कोई काम नहीं कर रहा। जो यहाँ पे कम से कम 100 पेड़ काटे गए, जो कटे हुए पड़े हैं वहाँ पे पूरी ग्रीनरी वाला एरिया था वो पूरा का पूरा नष्ट किया गया। तीसरा, जो अभी बिल्डिंग ये 15 माले की एक और बनाने के लिए जा रहे हैं उसके लिए स्पष्ट ये हो गया, जब हम NGT में गए, जब मंत्रियों के पास गए, तब वहाँ पे हमें पूरी तरह से आश्वासन मिल गया कि करीब करीब 100 मीटर की जगह छोड़ के वहाँ पे अर्बन जंगल डेवलप किया जाएगा। अब आज की तारीख में एक नया प्रोजेक्ट ला के वहाँ पे 15 माले की HIG बिल्डिंग बनाई जा रही है। मतलब क्या नगर निगम हम लोगों की सुविधा के लिए है या नगर निगम व्यापार करने की एक संस्था है? ये तो पता चले कि नगर निगम और बिल्डर एक ही हैं और वो केवल व्यापार करेंगे और आम आदमी का दोहन करेंगे, कोई दूसरा काम करेंगे ही नहीं। रेवरा टाउनशिप के बगल में एक पूरा पर्यावरण का बेल्ट था जो कि नक्शों में बताया गया था ग्रीन है। यहाँ पर लगभग 100 पेड़ काट दिए गए, मुख्यमंत्री जी पेड़ लगा रहे हैं और नगर निगम पेड़ काट के यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग HIG बना रही है। इसलिए रिवेरा टाउनशिप के रहवासियों के साथ हम लोग पूरी तरह से मैं साथ हूँ और इसकी लड़ाई पूरी लड़ेंगे और किसी भी हालत में ये काम जो पर्यावरण की दृष्टि से ठीक नहीं है ये नहीं होने दिया जाएगा।